सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आप लोगों को पता ही है कि जॉब के लिए इंटरव्यू ही बेस होता है। अगर इंटरव्यू सक्सेसफुल है तो जॉब हो जाएगी, और अगर इंटरव्यू में कोई गड़बड़ हो गई तो जॉब नहीं मिलने का। चंद पॉइंट्स हैं, उनको जेहन में रखें जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं। वेल ड्रेस होकर जाएं, प्रॉपर तैयार होकर जिसे कहते हैं। दूसरा, टाइम पे, इन टाइम, मतलब 5 मिनट पहले ही, ठीक है, रिसेप्शन पे जाके बताएं कि आज मेरा इंटरव्यू है, और वो आगे इन्फॉर्म करेगा या करेगी जो भी रिसेप्शन पे हुआ, उसके साथ भी पोलाइटली तरीके से बात करें। ओके, चले गए आप अंदर, इंटरव्यू करिए, आ गए एचआर मैनेजर और वो सारा स्टाफ बैठा हुआ है, तो जो सबसे पहले करीब तरीन है जो आदमी, उससे हैंडशेक करें आई कॉन्टैक्ट के साथ। बैठते वक्त बिल्कुल टेक नहीं लगा लेनी चेयर को इस तरह, ना आगे ऐसे झुक के, ठीक है, एक स्ट्रेट में रह के, और हाथ बांधने नहीं है बिल्कुल, ना टेबल पे रख लेने हैं ऐसे, ठीक है, उनको अपने लैप पे रखें, जरूरत पड़े तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं हाथों के साथ भी, समझानी है बात जिस तरह मैं कर रहा हूं। बैठने के बाद हाथों को ऐसे ऐसे पटाखे नहीं निकालने शुरू कर देने, ठीक है, आराम से रिलैक्स होके स्माइल चेहरे पे रखें, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी, चाहे आपने बहुत से पहले इंटरव्यू दिए हैं और नहीं सिलेक्ट हुए तो वो इम्प्रेशन नहीं देना कि आप तो बड़े फेड अप हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है, ये नहीं शो करवाना, ठीक है। और बात बात हुई आई कॉन्टैक्ट पे, ऐसा नहीं कि टेबल पे देख रहे हैं तो उससे बात कर रहे हैं, या उससे नजरें चुरा रहे हैं, या छत की तरफ देख रहे हैं तो बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है स्माइल के साथ, अच्छी ग्रीटिंग दे के, प्लेजेंट पर्सनैलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हर चीज काउंट होती है, पॉइंट्स बनाते हैं, वो लिखते रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, कम्युनिकेशन कैसी थी, आई कॉन्टैक्ट इसका कैसा था, ये जब एंटर हुआ है आदमी, ये इसकी अपीयरेंस कैसी थी, जो मैंने सबसे पहली बात बताई है, ठीक है, और हैंडशेक इसने किया है तो ऐसे ढीले से हाथ से किया है कि पूरा वो जिस तरह एनर्जेटिक होता है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, वो लिखते हैं, फिर जो जो 1, 2, 3 इसकी कैटेगरी बना देते हैं, जो पुअर है वो तो रिजेक्ट है, मीडियम है तो चल जाता है, लेकिन आपको एक्सीलेंस दिखानी है अपनी। और कैजुअल नहीं जाना, जिस तरह मैंने कहा ड्रेस अप होकर जाना है, कैजुअल जाएंगे तो मैं आपको बताऊं क्यों नहीं जाना, इंटरव्यूअर की इंसल्ट होती है कि यार मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया और इसको कोई है ही नहीं, पार ही नहीं है इसको इस चीज का, ठीक है, और कैजुअल जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे आप। और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस में, मुंह में चिंगम डाली हुई है तो जी सर जी, हाँ यस सर, नहीं भाई ये कोई नहीं तरीका, 5-10 मिनट पहले जाने का आप एक पर्पस भी होता है, आप जाते हैं उसे रिसेप्शन से पूछते हैं वॉशरूम किधर है, रेस्ट रूम किधर है, थोड़ा सा आप हाथ मुंह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, अगर आप दूर से आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेश नजर आना शुरू हो जाते हैं आप,
और कुछ बातों से इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है, वो बातें करनी नहीं है आपने। सैलरी का नहीं पूछना सर, सैलरी कितनी होगी, एक बार इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाएं, बाद में ये बातें होती हैं, या वो खुद बता दे तो बता दे, ठीक है। इससे लगेगा कि इसको सिर्फ पैसे के साथ गर्ज है, ये कंपनी को सर्व करना है या इसकी ग्रोथ के लिए ही आया बंदा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछली कंपनी का कोई नेगेटिव पॉइंट, कोई इनप्रोप्रिएट जो रिमार्क्स होते हैं वो नहीं बतानी, कोई बात नहीं बतानी, कोई चीज के कमेंट्स नहीं देने पिछली कंपनी के बारे में। वो पूछेगा क्यों छोड़ी, ठीक है, आप किसी मैनेजर के बारे में या कंपनी के बारे में कोई गलत किस्म के कमेंट्स ना दें। अगर जवाब देना ही है आपको, सवाल पड़ गया सर पे, तो आप कहें सर उधर ग्रोथ नहीं हो रही थी, ठीक है, और आप और सर इस अदारे में मैं समझता हूँ कि मेरी ग्रोथ होगी और मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरे स्किल्स हैं वो इस अदारे के लिए मैं फुली यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू परफॉर्म माई ऑल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी या कुछ ऐसा नहीं बताना जो आप में नहीं है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सांच को आँच नहीं, सच बोलें, जो है आप जैसे हैं वैसा बताएं और टू दी पॉइंट बताएं, कोई ऐसी बात प्रोलोंग नहीं कर देनी, बिगिनर को तो पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है। आप जिंदगी में बहुत सारे इंटरव्यू दें फिर जाके कहीं ये चीज़ों का पता चलता है, आपको पता चल जाता है इंटरव्यू में कि मैंने मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मेरे कौन से वीक पॉइंट्स थे जिस वजह से मेरी जॉब नहीं हुई। आपने अक्सर सुना होगा कि यार इंटरव्यू तो बहुत हो रहे हैं लेकिन जॉब नहीं हो रही, तो भाई मेरी वीडियो देखो। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, फिर मानेंगे। I can still remember when I've been walking my way back to